Hello students, in this video we are going to start a new book, that is Financial Management, you can also call it FM, which is applicable for BCom third year. Okay, this is your optional subject, not compulsory. So in this video we will discuss the syllabus and then we will start our chapter. Okay, so let's see our syllabus. So here is your syllabus. Unit 1st and 2nd are of investment management. Okay, this is your financial management. So your first chapter is cost of capital, then cost of capital 2nd, then capital structure theory se related, fir kya aapka capital structure planning and design, financing decision, EBIT, EPS, profit before, earning before interest and tax, ओके ये सब है आपका इसमें. देन आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, लिवरेज एनालिसिस. नाउ योर यूनिट 4th, डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, डिविडेंड पॉलिसी, डिटर्मिनेंट एंड कंस्ट्रेंट. देन यू कम टू योर लास्ट यूनिट, यूनिट 5th, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंस वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन कैलकुलेशन, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ कैश, रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. दिस इज़ योर ओवरऑल सिलेबस एंड चैप्टर्स डेट यू हैव टू स्टडी इन योर एफ एम. इफ यू वॉन्ट टू राइट इट यू कैन राइट. ओके, दिस आर द टोटली चैप्टर्स डेट यू हैव टू स्टडी. ओके, सो टूडे वी विल स्टार्ट आर यूनिट 3rd का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, सो लेट्स सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? आप चैप्टर पढ़ रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो यू शुड नो द वर्ड कैपिटल. आई थिंक ये तो पता होगा आपको कैपिटल क्या होती है. कैपिटल क्या होती है? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम जो पैसा लगता है दैट इज़ नोन एज कैपिटल, है ना. सो आपका चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीन्स कैपिटल की कॉस्ट, कैपिटल के ऊपर आने वाली कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, सो सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं. यह कैपिटल के ऊपर आने वाली कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको चैप्टर की मीनिंग क्लियर हो गई होगी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के ऊपर आने वाला खर्चा, ठीक है, इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बोरोइंग मनी और फाइनेंस. ठीक है, पैसा आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, सोर्सेस क्या है. ठीक है, सो आपके तो बेसिकली चार है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग आर द सोर्सेस ऑफ बोरिंग मनी और सोर्सेस फॉर फाइनेंस. ओके, हाउ मेनी सोर्सेस आर देयर? फोर सोर्सेस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग. सो बेसिकली अगर आपको पैसा चाहिए सो आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो? इन चार सोर्सेज से ले सकते हो, बाय डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर या फिर रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू. ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन शॉर्ट यू कैन राइट इट WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, एंड डिनोटेड बाय KO. ठीक है, किससे डिनोट करते हो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को? KO से. ठीक है, फिर लास्ट में वही क्या लिखा है? WACC इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू KO. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके इक्वल होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड यू कैन से इट KO. ओके, सो दैट ऑल फॉर टुडे. एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आर टॉपिक कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. ओके, सो थैंक यू.